जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एमपी जेल प्रहरी का ओल्ड पेपर 2018 का सामान्य ज्ञान का। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और जो भी एमपी जेल प्रहरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है उनके लिए, क्योंकि यहाँ से उनके लिए पता चल जाएगा कि किस प्रकार का पेपर आता है और किस प्रकार के इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 का यह ओल्ड पेपर है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और जो है वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। एमपी जेल प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप जो है 90 98 60 92 91 इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप पर क्या करना है, मैसेज करना है, तो आपके पास एमपी जेल प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पहुंच जाएगी, तो वहां से आप एमपी जेल प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को जो है लाइक अवश्य कर लें। और आज अपना यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD ने घोषणा की है कि भारत की दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं संयुक्त प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय योग्यता और प्रवेश परीक्षा निम्न द्वारा आयोजित की जाएंगी। तो किसके द्वारा यह आयोजित की जाएंगी यह बताना है यहाँ पर। आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट MW की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल और सौर्य पार्क का उद्घाटन हुआ, जो किस राज्य में स्थित है। तो आपके लिए बताना है किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या तेलंगाना में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। 4 विकल्प आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहां पर सही आंसर होगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बताना है यहां पर कौन थे, बताइए श्री कैलाश नाथ काटजू या श्री भगवंत राय मंडलोई या पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा या पंडित रविशंकर शुक्ला। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर है श्री कैलाश नाथ काटजू आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है। तो घूमर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का कि घूमर किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है, राजस्थान का, गुजरात का, असम का या पंजाब का। तो क्या राइट आंसर होगा इसका कमेंट में जरूर बताएं। आंसर बनता है अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 तो इसका जो राइट आंसर है वह राजस्थान। राजस्थान विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया। तो यह कौन सी संस्था है जिसके द्वारा यह जो अभियान है वह चलाया गया था, कौन सा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या अगला विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित या खाद और कृषि संगठन या वायदा बाजार आयोग। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर वायदा बाजार आयोग आपका जो है राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को वर्ष खालिस्तान में आयोजित किया गया था। तो कब आयोजित किया गया था, 1952-53 या 1951-52, 1950-51 या 1950-52।
तो कब आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 1951 जो है आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सुरंज शहर भूकंपीय क्षेत्र वर्गीकरण के खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? क्षेत्र 1, क्षेत्र 4, क्षेत्र 2 या क्षेत्र 3? तो बताना है जो मध्य प्रदेश में सुरंज शहर है यह भूकंप क्षेत्र वर्गीकरण के खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्षेत्र 2। क्षेत्र 2 आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? देवास में, मुरैना में, या दमोह में, या आगर मालवा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह दमोह। दमोह आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा, दमोह। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन यहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? इटारसी में, या गणेशगंज में, हबीबगंज में, या खजुराहो में? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है हबीबगंज। हबीबगंज आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर होगा, हबीबगंज। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप खालिस्तान में स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप खालिस्तान में जो है स्थापित की जाएगी, कहाँ पर स्थापित की जाएगी? पीथमपुर, सिंगरौली, कटनी या बीना? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है यहाँ पर, क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? तो आपका राइट आंसर पीथमपुर। पीथमपुर आपके यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित हो गई हैं? तो यह जो है 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर कि कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित हो गई हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 6। 6 आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर होगा, 6। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभयारण्य स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन सा वह जिला है मध्य प्रदेश का जहां पर क्या है नौरादेही अभयारण्य? कहाँ पर? बघेलखंड में, ग्वालियर में, सागर में, या रीवा में? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यहाँ पर होगा सागर। सागर विकल्प नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर होगा, सागर। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंदौर में, या उज्जैन में, ग्वालियर में, या भोपाल में? कब? जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी, एमपी है, एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है इंदौर, यानी कि विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा, इंदौर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़ों का नाम बताएं। तो क्या है? महेश्वरी साड़ी, या टसर साड़ी, या बाटिक प्रिंट, या नंदना प्रिंट? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, महेश्वरी साड़ी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 2018 में 18 के वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में दूसरे स्थान पर रखे जाने वाले शहर का नाम बताएं। तो शहर का नाम बताना है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, या जो अगला विकल्प है भोपाल। मध्य प्रदेश में 2018 के वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में जो है दूसरे स्थान पर रखे जाने वाला जो शहर है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है भोपाल। भोपाल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, भोपाल।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं, तो बताइए सितार, सरोद, संतूर या वीणा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर है संतूर, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3 संतूर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो बताइए राजकीय पक्षी बताना है। चार विकल्प आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो आपका राइट आंसर होगा दूधराज, दूधराज या सुल्ताना बुलबुल, एशियाई पैराडाइज फ्लाई कचर, इसको जो है फ्लाई कल्चर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका यहाँ 17 का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुओं की एकमात्र प्रजाति पाई जाती है, तो कौन सी वह प्रजाति है कछुओं की जो कहाँ पर पाई जाती है मध्य प्रदेश में, तो एक वह कौन सी प्रजाति है एकमात्र जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है, तो वह है जियोकेलोन एलिगेंस, जो है आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है, तो बताइए, तो क्या होगा राइट आंसर, खाद्य और कृषि संगठन या केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित या वायदा बाजार आयोग। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है क्या है, केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2 जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से नहीं से बनी होती है एवं जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है, तो बताइए लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल और पीली मिट्टी। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी है जो नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक और लेकिन जो फास्फोरस है वह कैसा होता है कम मात्रा में होता है, तो कौन सी मिट्टी है भाई, जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर जो है सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, 20 क्वेश्चन थे जो 2018 में पूछे गए थे, सामान्य ज्ञान से संबंधित ओल्ड पेपर है 2018 का एमपी जेल प्रहरी का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप जो है 90 98 60 92 91 जो है इस जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, यहाँ से आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप है एमपी जेल प्रहरी का उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपके पास जो है ग्रुप की लिंक पहुंच जाएगी, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, आज के वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद।